नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे से जुड़ी हुई खबरों को लेकर। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने नियमों में बदलाव करता रहा है। कोरोना काल के दौरान रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया था, जिसे अब धीरे धीरे लागू किया जा रहा है। तो वहीं त्योहारी सीजन में भी रेलवे ने कई ऐसे नियम हैं जिसमें कि बदलाव किया, जिसके तहत उन्होंने कई स्पेशल और पूजा स्पेशल ट्रेनें जो है उसने चलाई थी, जिसमें कि यात्रियों को सहूलियत हो सके। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के बदलाव करते रहा है। ऐसे में रेलवे ने एक बार फिर से अपने नियम में एक बड़ा बदलाव किया, जिसमें कि इस बार यात्रियों के नाश्ते को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि दही चूड़ा, लिट्टी चोखा, घुघनी, मखाना, खीर, चीनी और या फिर बिना चीनी के खाने या फिर लंच जो है आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। साथ ही साथ लंच और डिनर में भी बदलाव की बात कही गई है। रेलवे इस दौरान खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की बात कह रहा है। IRCTC की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया जा रहा है कि सामानों के दाम, ट्रेनों में उपलब्ध कराए जाने वाली व्यवस्था, खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता आदि सभी बिंदुओं पर काम रेलवे ने शुरू कर दिया है। बता दें कि रेलवे की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह बताया गया है कि रेलवे में खाने पीने में होने वाले तमाम बदलाव की जिम्मेवारी जो है अब IRCTC को दे दी गई है। इतना ही नहीं, अब इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ट्रेन जिस इलाके से गुजर रही है उस इलाके का यानी कि उस क्षेत्र का व्यंजन भी आपको ट्रेनों में खाने को मिल सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी ट्रेन बिहार से होकर गुजर रही है, खास करके अगर पूर्वांचल का वो इलाका है, तो सुबह सुबह नाश्ते में आपको लिट्टी और चोखा खाने में मिल सकता है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो ट्रेनों में रेलवे अब दही चूड़ा की भी व्यवस्था कर रहा है, जिसके चलते IRCTC ने दही के लिए सुधा कंपनी के साथ करार भी किया है। ऐसे में यह भी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द यात्रियों को नाश्ते के रूप में दही चूड़ा के साथ साथ लिट्टी चोखा भी मिलने वाला है। रेलवे यात्रा के दौरान बीमार यात्रियों को भी ध्यान में रखते हुए यात्रा के दौरान खाने पीने की व्यवस्था की गई है। इस दौरान खास करके मोटे अनाज के व्यंजनों की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कि आपको बाजरा, ज्वार, कोदो, रागी, कंगनी, सामा आदि की भी व्यवस्था व्यंजन के तौर पे आपको वहाँ पे मिलने वाली है। आपको बता दें कि इन व्यंजनों से कई तरह की बीमारियाँ दूर होती है। हालांकि रेलवे यह भी मान रही है कि अगर हम लोकल उत्पाद को रेलवे के साथ जोड़ते हैं तो किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि रेलवे आने वाले दिनों में ट्रेनों में शिशु आहार को लेकर भी व्यवस्था कर रही है, जिसके तहत IRCTC जो है शिशु आहार को लेकर भी जोड़ रही है। अमूमन ट्रेनों में दूध और बच्चों के खाने को लेकर समस्याएं होती रही है। आए दिन अमूमन लोग जो है ट्वीट करके रेल मंत्रालय से ये गुहार लगाती है कि हमारे बच्चे को दूध खत्म हो गया है और रेलवे जो है अगले एक घंटे तक ये ट्रेन जो है नहीं रुकने वाली है। तो ऐसे में कई तरह की समस्याएँ जो है रेलवे के सामने आती रही। ऐसे में अब जो है रेलवे IRCTC के साथ जुड़कर शिशु आहार की भी व्यवस्था जो है ट्रेनों में करने की बात कर रही है। इधर IRCTC के क्षेत्रीय संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि देसी और क्षेत्रीय खान पान को बढ़ावा देने के इरादे से ऐसा किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे ने इस ओर तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जब सभी चीज़ों की बात बन जाएगी तो यात्रियों को इसका लाभ मिलने लगेगा। यानी कि सबसे जो इसमें अहम कड़ी वो जुड़ रही है वो है लोकल भोजन को लेकर और किसानों से अनाज को लेकर, क्योंकि जिस इलाके से पूरी ट्रेन गुजरेगी उस इलाके में आपको जो है उस इलाके का खाना मिलेगा। साथ ही साथ रात में अगर आप डिनर या फिर लंच की व्यवस्था आप चाहते हैं तो आपको होटल जैसी सुविधाएँ रेलवे मुहैया कराने की बात कह रही है। हम उम्मीद करते हैं यात्रियों को इस तरह के सुविधाएँ रेलवे मुहैया कराए, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। तो ये थी रेलवे से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।